BSNL में अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं। सर जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे। हम तो सोच रहे हैं कि मोबाइल फेंक दे। BSNL हम भी 20 वर्ष से यूज कर रहे हैं, अभी भी BSNL लिए हुए हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी अब भारत के यूजर्स को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार हो चुकी है। अंबानी की जियो के लिए यह खबर काफी बुरी मानी जा रही है, क्योंकि रतन टाटा ने यह अनाउंसमेंट ऐसे समय में की है जब रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने भारतीय यूजर्स का जीना मुश्किल कर रखा है। टाटा समूह की सैटकॉम कंपनी नेल्को ने भारत में इंटरनेट कस्टमर को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने के लिए कमर कस ली है। यह कदम सीधे तौर पर इलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि टाटा इलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक और BSNL के साथ मिलकर काम करने वाली है। और टाटा को पता है कल को इलॉन मस्क भी भारतीय कस्टमर को मुकेश अंबानी की तरह धोखा दे सकते हैं, इसलिए रतन टाटा जी ने टाटा समूह की सैटकॉम कंपनी नेल्को को सैटेलाइट इंटरनेट के लिए तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम के इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि टाटा बैक्ड नेल्को आईज कंज्यूमर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड 4A सेज MD। मतलब साफ है कि टाटा की सैटकॉम कंपनी नेल्को के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि हमारी नजर भारतीय यूजर्स को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने पर है। जियो और एयरटेल को पता चल चुका है कि रतन टाटा अब भारतीय यूजर्स को ज्यादा दिन उनके हाथों लुटने नहीं देंगे। साथ ही BSNL के साथ मिलकर ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में कोई भी कंपनी अब भारतीय यूजर्स का नाजायज फायदा नहीं उठा सकेगी। साथ ही रतन टाटा इलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को अभी भारत में अपनी कंपनी नेल्को के द्वारा पूरे कंट्रोल में रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले रतन टाटा जी और BSNL को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी यह खबर पहुंच सके। तो अब इलॉन मस्क टाटा और BSNL के जॉइंट वेंचर से जियो वहीं पहुंच जाएगी जहां से उसने स्टार्ट किया था, यानी उसे अपने सभी कस्टमर से हाथ धोना पड़ेगा। भारत में अब इंटरनेट की दुनिया में नई क्रांति आने वाली है जिसका सामना करना जियो और एयरटेल के बस की बात नहीं है। मुकेश अंबानी ने रतन टाटा को मनाने की पूरी कोशिश की थी, मगर रतन टाटा जी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। मुकेश अंबानी यह भी नहीं चाहते थे कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से लाइसेंस मिले, लेकिन मुकेश अंबानी की एक नहीं चली और इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को BSNL के साथ मिलकर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेट करने के लिए भारत सरकार से लाइसेंस मिल चुका है। यकीन मानिए दोस्तों, इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से लाइसेंस दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। जियो और एयरटेल की अकड़ इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग अब भारत की जनता को कीड़े मकोड़े समझने लगे हैं, लेकिन इनकी सर्विस भी थर्ड क्लास है जो लोगों काफी परेशान करती है। अगर स्टारलिंक, BSNL और टाटा साथ मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। इनको भारत के किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचाने के लिए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होगी। ये लोग डायरेक्टली सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट को भारत के हर कोने में पहुंचा सकेंगे, जो कि जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में बिल्कुल सस्ता होगा। मुकेश अंबानी को स्टारलिंक, BSNL और टाटा की जुगलबंदी का पता लग चुका है और अंबानी भी अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास SpaceX जैसी कंपनी नहीं है जो हजारों सैटेलाइट स्पेस में भेज सके। जियो और एयरटेल को अब जल्द ही भारतीय कस्टमर सबक सिखाने वाले हैं। भारत की तस्वीर अगले महीने से कुछ इस कदर बदल जाएगी कि देखते ही देखते भारत में इंटरनेट एक नए रूप में अवेलेबल होगा। यह क्रांति ऐसी होगी जिसके सामने जियो और एयरटेल के 5G और फाइबर सब फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट अब 300 MBPS की स्पीड से सीधे सैटेलाइट से मिलना शुरू हो जाएगा।